नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सप्तकोशी नदी के बहाव में उतार चढ़ाव शुरू भेला संगे सुनसरी आ सप्तरी के तटीय क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनाओल गेल छे। कोनो भी समय में बढ़ सका वाला जलस्तर नौता देव सकबाक विपत्ति के मद्देनजर करैत तटीय क्षेत्र में दुनू जिला सुनसरी आ सप्तरी सतर्कता सहित के आवश्यक तैयारी आगा बढ़ौने छे। बाढ़ पूर्व तैयारी के लऽ कऽ कोसी बैरेज में दुनू जिला के सुरक्षा निकाय के उपस्थिति में आकस्मिक बैठक समेत बजाओल गेल छे। बैठक नदी में आबि सकय वाला बाढ़ के आकलन करैत सूचना संप्रेषण आ विपत्ति पूर्व तैयारी के काज के तदारुकता के साथ बढ़ेबाक निर्णय कयने छे। बाढ़ संगे कोसी में नाव चलावा आ माछ मारा प्रशासन रोक लगौने छे। बैठक पानि के बहाव संगे आवश्यकता अनुसार बैरेज के फाटक खोल संयुक्त प्रयास करबाक निर्णय समेत कयने छे। प्रत्येक घंटा जल सतह को स्तर अनुसार अब इसका इसमें चाहिए सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको समय में अब इसको ढोका खोलने और व्यवस्थापन करने कुरा हो। इसको लागि हम सब सुरक्षा अधिकारीहरुसँग इसको पानी को प्रत्येक घंटा को रेकर्ड हामीसँग आउँछ। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ यहाँ समन्वय गर्छौं र अरु त्यसमा भोलि सम्भावित जोखिम नआओस् भन्ने हिसाबले हामीले प्रिकसनहरु अपनाइरहेका छौं र दुवै पक्षको निरन्तर समन्वयमै छौं। हामी मनसुन सुरु भइसकेका छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो कोशी नदीको विगत को हाम्रो एक्सपीरियन्स पनि छ। त्यसका आधारमा चाहिँ हामी यहाँ यसको व्यवस्थापनको कुरा, सूचना आदान प्रदानको कुरा हामीले निरन्तर निगरानी सप्तकोशीमाले के कति ठाउँमा भुगान गर्छ, के कति ठाउँमा यसको असर देखिन्छ, त्यो ठाउँहरू पहिचान गर्ने, यहाँका स्थानीयहरूलाई बसाइलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने, सुरक्षित स्थानको खोजी गर्ने र आवश्यकता के गर्न सकिन्छ, विगतसम्म संलग्न सबै निकायहरूको साझेदारीमा समन्वयमा तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको। सप्तकोशी में बहाव बढ़त गेला से संभावित जोखिम मानल गेल इस पर के सुरक्षा में प्रशासन विशेष चाँख देखौने छे। नेपाली पक्ष के समन्वय में इस क्षेत्र में भारतीय पक्ष तार जाली आ बालू भरल बोरा रखवा काज जारी रखने छे। बैरेज में संपन्न प्रमुख जिलाधिकारी सहित सुरक्षा निकाय के बैठक सीमा पार हो वाला अपराध आ तस्करी नियंत्रण के साथ ही तीव्र गति के कारण राजमार्ग में होत आयल दुर्घटना न्यूनीकरण के सवाल में समेत सहकारी क के आगा बढ़वाक निर्णय कयने छे। टोली कोसी बैरेज नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम के साथ बैरेज पुल के संरचना आ नदी तटीय क्षेत्र के निरीक्षण समेत कयने छे। सप्तकोशी नदी में किछु दिन एम्हर 2 लाख क्यूसेक के आसपास बहाव मापन होत आबि रहल छे। सप्तकोशी के जलस्तर बढ़ला पर पिछला किछु बरस एम्हर बैरेज के 56 फाटक खोलत आब पड़ रहा है। भारतीय पक्ष के नियंत्रण में रहल बैरेज के फाटक खोल नेपाली पक्ष भारत संग आग्रह कर पड़े। भारतीय पक्ष जलस्तर के मापन के आधार में बैरेज के फाटक खोलत आबि रहा है। फाटक खोल विलम्ब भेला पर हरेक साल नेपाली क्षेत्र डुबान में पड़ित आबि रहा है। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी 7 प्रदेश आ 77 जिला में विपत्ति प्रतिकार के लिए तालीम प्राप्त जनशक्ति परिचालन कयने जानकारी दिलक। रेड क्रॉस अ वर्ष अत्यधिक वर्षा हेबाक मौसम विज्ञ सबके पूर्वानुमान संगे सब जिला सब में अपन तालीम प्राप्त स्वयंसेवक सब खटाक विपत्ति पूर्व तैयारी के काज सब आगा बढ़ौने जानकारी दिलक। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के महामंत्री भूपति लाल श्रेष्ठ पिछला समय मानसून आबि चुकल आ बाढ़ वर्षा हेबाक आकलन बीच भऽ सकबाक संभावित जोखिम के न्यूनीकरण कर विपत्ति पूर्व तैयारी के काज सब सेहो आगा बढ़ौने जानकारी दिलन। रेड क्रॉस विपत्ति पूर्व तैयारी स्वरूप रेड क्रॉस मानसून पूर्व तैयारी योजना निर्माण कयने सेहो जानकारी दिलन। ओ मानसून पूर्व तैयारी के संदर्भ में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र से 77 जिला में रहल तालीम प्राप्त स्वयंसेवक सबके विवरण परिचालन के लिए अत्यावधिक करबाक काज सम्पन्न भेल सेहो जानकारी देलक अछि। ओ 7 प्रदेश आ 77 जिला के मानसून के पूर्व तैयारी के लेल अभिमुखीकरण सम्पन्न भ चुकल सेहो जानकारी देलनि। ओ लमजुम, मोरंग, सुमसरी, रोलपा, ओखलढुंगा, झापा, कास्की, दांग, तापलेजुम लगायत के जिला में बड़का मानसून के प्रभाव देखल गेल। आई जिला सब में भेल क्षति
में रेड क्रस राहत सामग्री सब प्रदान कर चुकल जानकारी दिलन। ऐसे सातू प्रदेश सतहत्तर जिला में पूर्व तैयारी अंतर्गत राहत सामग्री भंडारण सब भ चुकल आ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मानसून से हो वाला क्षति कम कर पूर्व तैयारी के काज सब कर रहा से जानकारी दिलन। ऐसे सब स्वयंसेवक सब तैयारी अवस्था में रहल वो बतौलन। मनसून में औसतभंदा बड़ी तब को वर्षा होने रेसले धनधन को क्षति करने एउटा अनुमान पूर्वानुमान हामीले गरिरहेको छ हैन गरिरहेको छ। अब त्यसको चाहिँ पूर्व तैयारी को सन्दर्भ में नेपाल रेड क्रस सोसाइटी को तर्फबाट चाहिँ मनसून पूर्व तैयारी योजना निर्माण गरेको छ र मनसून पूर्व तैयारी के सन्दर्भ में नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ने सब मिलकर विपत प्रतिकार में जुटला पर मात्र क्षति न्यूनीकरण कैल जा सकबाक सेहो बतौलन। विद्यालय के पहुँच से बाहर रहल मधेश प्रदेशक करीब 2.25 लाख बाल बालिका सब बाल श्रम में रहल तथ्यांक प्रस्तुत कैल गेल छे। मधेशक जिला सब में विद्यालय पहुँच से बाहर रहल 5 वर्ष से 17 वर्ष उमेर समूह के बाल श्रमिक के संख्या 1,72,000 रहल तथ्यांक सार्वजनिक कैल गेल छे। आसमान नेपाल बुध दिन जनकपुर धाम में कैने कार्यक्रम में ई तथ्यांक सार्वजनिक भेल छे। बाल श्रम के विषय में कार्यपत्र प्रस्तुत करैत आसमान में सुनवाई के परियोजना संयोजक दीपेंद्र तिवारी गरीबी तथा अशिक्षा के कारण बाल श्रमिक में से 3.4% अर्थात 50,932 बाल श्रमिक सब जोखिमपूर्ण काज में संलग्न रहल से जानकारी दिलन। सब बाल बालिका सब के बेरिया के समय में विद्यालय पठाओल जा सकला पर बाल श्रमिक के संख्या अपने कमी हेबाक भेला से आई दिस संबंधित सब पक्ष के आग्रह सेहो कलन। मधेश प्रदेश में विद्यालय बाहर भेल 31 मधेश प्रदेश में विद्यालय बाहर रहल 21% बाल बालिका सब के विद्यालय पठाओल जा सकला पर बाल श्रमिक के संख्या में अपने कमी अयबाक आसमान नेपाल के कार्यक्रम व्यवस्थापक मणिराम आचार्य जानकारी दिलन। मधेश प्रदेशक जिला सब में विद्यालय जाय वाला उमेर समूह के बाल बालिका के संख्या 14,98,000 रहल जानकारी देत बाल श्रम में लागल सबके कोना का विद्यालय भेजबाक ई चुनौतीपूर्ण रहल आसमान के सुशासन सलाहकार एवं पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी गुरु सुवेदी बतौलन। तहिना नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण बाल मैत्री शासन तथा बाल श्रम में कमी आनबाक लेल अइमे कलम चलबैत आयल पत्रकार सबके और प्रोत्साहित कैल जेबाक बतौलन। आसमान के मधेश प्रदेश के संयोजक खिलानाथ निरौला जोखिमपूर्ण श्रम सहित और श्रम में लागल बाल बालिका सबके विद्यालय भेजनाई आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। जनकपुर धाम में आद्रा पावन मनाओल गेल छे। तराई मधेश के जिला सब में धान रोपनी शुरू भेल खुशियाले में किसान सब 15 दिन धरि ई पावन मनेबाक परंपरा रहल छे। मुदा पिछला समय ई पावन मनेबाक क्रम में कमी भेला बाद परंपरा के संरक्षण करबाक उद्देश्य से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के महिला संगठन के अगुवाई में ई पावन मनाओल गेल छे। ई पावन में 15 दिन धरि किसान सब घर घर में खीर पूरी आम तथा जामुन खा का मनेबाक परंपरा रहल छे। आधुनिकता संगे ई पावन हराया लगला बाद एकर संरक्षण के लेल महिला संगठन आद्रा महोत्सव 2081 मनौने अछि। आद्रा नक्षत्र शुरू भेला 15 दिन धरि रोपनी हेबाक भेला से एकर महत्व सेहो बहुत अधिक रहल तमोलोपा के नेता सब बतौने अछि। ओ सब किस वर्ष एम्हर खेती प्रति जागरूकता नहीं देखल गेल युवा सब के आद्रा के विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य से महोत्सव के आयोजन कैल गेल सेहो बतौने छै। इसको अत्यंत महत्वपूर्ण महोत्सव हो जो 15 दिन सम्म मनाई छ आद्रा नक्षत्र आए पछि रहन जेल सम्म 15 दिन सम्म आद्रा महोत्सव मनाइन्छ। त्यस बेलामा हामी यी सब चीज हमर सबके जे संस्कृति परम्परा सब है ये सब ओझल में पड़ जा रहा है तेकरा हमरा सबके विश्वास के साथ अगाड़ी बढ़ावे के छै। किसान आ कृषि कार्य के जे है से प्रोत्साहन मिले आ हम सब अइ के लेल प्रकृति के प्रति आभारी आद्रा नक्षत्र मतलब लुप्त भ रहल आखिर किसान के
अही से जीवन चले छे, अही से शुरुआत होइ छे, गवलग्गी से शुरुआत होइ छे। तो हम सब पार्टी के ध्यान आकर्षण करे लिए तै पर उकाल के नै यहां सब के बढ़िया काम है यहां सब कार्यक्रम में। तमोलपा के अध्यक्ष बृखेश चंद्र लाल, वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार सिंह, नेत्री विभा ठाकुर, जलस्रोत वेद डॉक्टर कृष्ण चंद्र शाह लगायत सहभागी भेल छल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा नया समीकरण अनुसार बनल कांग्रेस एमाले गठबंधन के साथ देवाक निर्णय कयने छै। बबरमहल स्थित पार्टी कार्यालय में बैसल लोसपा नेपाल के पदाधिकारी बैठक ई निर्णय कयने छै। कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा मंगल दिन पुरान गठबंधन में रहल दल सब संग परामर्श कयने छल। ई छलफल के विषय में लोसपा नेपाल के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ब्रीफिंग कयने छलथि। कांग्रेस सभापति देवा गठबंधन बनेबाक सरकार के साथ देवा आग्रह कयने, अध्यक्ष ठाकुर बैठक में ब्रीफिंग कयने छलथि। नेकपा एमाले प्रधानमंत्री पुष्कर दाहाल नेतृत्व के सरकार के देने समर्थन फिरता लेबाक निर्णय कयने छै। ई निर्णय संगे एमाले से सरकार में सहभागी मंत्री सब सेहो आइए प्रधानमंत्री के भेंट कर रायनामा बुझाव लागल छै। एमाले संसदीय दल के प्रमुख सचेतक महेश बरतौला के अनुसार एमाले के मंत्री सब आइए प्रधानमंत्री के भेंट कर सामूहिक रूप में रायनामा बुझाव लागल छै। ऐसे पहिने एमाले मंगल दिन आई धैर्य के समय दक प्रधानमंत्री दाहाल के मार्ग प्रशस्त कर आग्रह कयने छलथि। प्रचंड नेतृत्व में सरकार में एमाले से उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ के नेतृत्व में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पदम गिरी, कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री ज्वाला कुमारी शाह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी, खानेपानी मंत्री राजेंद्र कुमार राय, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी आ रक्षा मंत्री हरि प्रसाद उप्रेती रहल अछि। नेपाली कांग्रेस नया सरकार गठन के लेल मार्ग प्रशस्त कर प्रधानमंत्री पुष्कर दाहाल के आग्रह कयने छै। कांग्रेस एमाले नया समीकरण बनला बाद सेहो प्रधानमंत्री पुष्कर दाहाल संसद के सामना कऽ के मात्र आगाह बढ़ल जा सकबाक अड़ान लऽ रहल समय नया सत्ता समीकरण के मुख्य दल नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य सम्पादन समिति के बैठक ई आग्रह कयने छै। बुध दिन भिनसर सभापति शेरबहादुर देवा निवास बूढ़ा लीलकंठ में बैसल बैठक दू बड़का दल आओर दल सब सेहो नया सत्ता समीकरण के पक्ष में अपन मत राखला बाद नया सरकार गठन के लेल प्रधानमंत्री के मार्ग प्रशस्त कर आग्रह करबाक निर्णय कयल गेल। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी देलनि अछि। तहिनाक बैठक नया सत्ता समीकरण के लेल एमाले सँ कयल गेल समझदारी सेहो अनुमोदन कयने छै। बैठक संविधान संशोधन करबाक दू दल बीच के समझदारी सब दल सब संग सघन परामर्श कऽ के मात्र बढ़ेबाक सेहो स्पष्ट कयने प्रवक्ता महत बतौलनि। सुरुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न आम निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुन्न र ती विषय त कुन कुन विषय हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ संशोधनको आवश्यकता छ भन्ने विषय त पछि वर्कआउट हुन्छ नि, अहिले मूलभूत रूपमा एउटा। तहिनाक बैठक पार्टी सभापति देवा पार्टी के भातृ संगठन आ निर्देशक समिति के म्याद बढ़ावक कयने निर्णय के सेहो अनुमोदन कयने नेपाली कांग्रेस जानकारी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता अर्जुन नरसिंह केसी राजनीतिक अस्थिरता के प्रमुख कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहल धारणा रखलनि अछि। बुध दिन नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा कयने पत्रकार सम्मेलन में नेता केसी समानुपातिक प्रणाली के कारण नेता सब जनता सोझा जेबाक आ परिश्रम कर छोड़ने कहत ई व्यवस्था खारिज कयल जेबाक बतौलनि। खारिज कर नहि सकल अवस्था में सब के प्रतिनिधित्व हेबाक उद्देश्य लऽ कऽ समानुपातिक सेहो निर्वाचन के व्यवस्था कयल जेबाक हुनक कथन छै। समानुपातिक चाहिँ अहिले देखियो, अहिलेको अस्थिरताको प्रमुख कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अस्थिरताको मात्रै कारक तत्त्व भएन, पार्टीभित्र पनि पराक्रम गर्ने, परिश्रम गर्ने, जनप्रियता स्थापित गर्ने भन्दा नेताहरूको वरिपरि घुम्ने र उनीहरूलाई खुसी बनाउनेहरूकै के अरे
को निम्ति मात्रै भन्नु त्यसैले यो समाजवादी खारेज गर्नुपर्छ बोलेको मान्छे तर समाजवादी खारेज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै पक्षलाई समावेशी गरेर जो राजनीतिक गति अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसलाई पढ्नुपर्छ भन्ने होइन त्यसलाई झन् समाजवादीलाई राष्ट्रिय सभामा पनि लान सकिन्छ नभए प्रतिनिधि सभामा राख्ने हो भने समानुपातिकको पनि निर्वाचन क्षेत्र गरेर तदनुसार निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको संवैधानिक सुधारको आवश्यकता एकात्र छ नेता सिंह देश भर में जनप्रतिनिधि के संख्या बहुत भेल कहत अखन कायम रहल संघीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अखन कायम रहल दू संघीय निर्वाचन क्षेत्र के एक टा बनाओल जेबाक सेहो धारणा राखने छले थे संसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बनाउने अनि दुईटा दुईटा संसद क्षेत्रलाई एउटा संसद क्षेत्र बनाएर प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्दा के हुन्छ यो संसदमा संसद र प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिको भारीले देशको अर्थतन्त्रलाई जुन खिचेको छ त्यसले गर्दा गाउँ नगरपालिकाको संख्यालाई पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र घटाउने र प्रदेशका संरचना पनि प्रतिनिधित्व घटाउनेदेखि संरचनामा पनि फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने अहिले आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ ओ 2072 साल में जारी भेल संविधान जनता के सर्वोच्चता के प्रतिनिधित्व कने कहत ई संविधान असफल भेला पर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आबि सकबाक सेहो बतौलन ओ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आब नहि देव संविधान संशोधन करबाक आ निकास देवाक देश सोचल देवाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलन नेता सिंह नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले बीच में भेल पछिला सहमति से देश के स्थिर सरकार देवाक आशा देखल गेल बतौलन ओ अगला सरकार आर्थिक सुधार के गतिविधि के सामूहिक मिशन के रूप में लऽ कऽ आगा बढ़ल जेबाक सेहो बतौलन नेता केसी संसद के पहिल आ दोसर दल मिलकर सरकार बनबैत काल संसद के प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भ सकबाक प्रश्न उठि सकबाक कहत प्रतिपक्षी दल सब प्रतिपक्ष के सशक्त हैसियत के जीवंत राखल जा सकबाक सेहो बतौने छलथि आप व्यावसायिक विश्राम विश्राम बाद बाकी समाचार लक्या लुरा पोल्युशन ले मेरो अनुहार को चमक नै हराई सक्यो तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्क ले समृद्ध प्याराशूट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वॉश जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चमकीलो र उज्यालो प्याराशूट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिंग फेस वॉश ओरेंज एलोवेरा वेरिएंट्स मा पनि उपलब्ध छ जब केस हेड मजबूत तब लागब आरो सुन्दर असली आंवला डाबर आंवला अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे अब के पढ्छु डाक्टर भन्छु बेस्ट कलेजेस मा अप्लाई गरेकी छु सबै कलेज उस्तै होइनन् र हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु प्याराशूट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरुका लागि यो तीन तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो चम्किलो र सुन्दर Parachute Advanced, mero lagi best. My go favorite sunset shampoo. Aba bhayo ajhai ramro. Yes, ma cha vitamins, oils ani protein ko active mix. Jasle dincha tapai lai shiny, ghana ani sundar kapal. Super kapal har ek bar. Naya sunset active mix ka saath. टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ पोन्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A प्लस फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि पोन्स ब्राइट ब्युटी भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस् सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस् विश्राम बार समाचार में स्वागत है केंद्रीय समिति के बैठक के प्रत्यक्ष प्रसारण नहीं कल गल कहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के महामंत्री डॉक्टर मुकुल ढकाल विरोध जनौने रहे बुध दिन भिनसर पार्टी केंद्रीय कार्यालय बालाजू में बैसल बैठक के प्रत्यक्ष प्रसारण कर मांग कने महामंत्री ढकाल के प्रस्ताव के पार्टी सभापति रवि लामे छाने अस्वीकृत कला बाद विरोध जनौने छे ओ मुँह में कारी टेप साइट का सांकेतिक विरोध जनौने छलथि ओ लोकतंत्र मानवाक आ
बुझावला लोक प्रत्यक्ष प्रसारण करस नहीं रुकबा कहत अभिव्यक्ति दैत अल पर बैठक हुनक प्रस्ताव के अस्वीकृत बैठक संचालन कने छल। बैठक में पिछला राजनीतिक समसामयिक घटनाक्रम के विषय में परामर्श भेल छल। साथ ही बैठक में महामंत्री ढकाल सभापति लामे छाने के बुझौने प्रतिवेदन ऊपर से परामर्श भेल छल। प्रतिवेदन में रासोपा अखन के अवस्था के ल आगा बढ़ला पर पार्टी प्रति के नागरिक के आकर्षण घटे जेबाक बात उठौने अछि। पार्टी नया निर्णय जनाय आवश्यक रहल सेहो महामंत्री के प्रतिवेदन में कहल गेल छै। एहि बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी केंद्रीय समिति बैठक में महामंत्री मुकुल ढकाल के राजनीतिक प्रतिवेदन पेश कयल गेल छै। बहुत दिन बैसल ई पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक में महामंत्री ढकाल के राजनीतिक प्रतिवेदन सह महामंत्री कविन्द्र बुरलाकोटी प्रस्तुत कने छलथि। अपन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रत्यक्ष प्रसारण कयल जेबाक मांग संबोधन नहीं भेला बाद महामंत्री ढकाल मुँह में कारी टेप लगा कर बैसल आ हुनक राजनीतिक प्रतिवेदन सह महामंत्री बुरलाकोटी प्रस्तुत कने पार्टी के सह प्रवक्ता मनीष झा जानकारी दिलन अछि। प्रतिवेदन में पार्टी में बहुत सुधार के आवश्यकता रहल बताओल गेल छै। सँगको भेटघाट यति पश्चात उहाँ फर्किनु भयो र एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो। त्यो प्रतिवेदन उहाँले पार्टी सभापति ज्यूलाई बुझाउनु भयो। त्यो प्रतिवेदन पश्चात हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक धेरै भइसकेको थियो नभएको प्रतिवेदनमै केन्द्रित भएर पहिलो र प्रमुख एजेन्डा त्यसैलाई राखेर हामी आज बिहान 8 बजे यस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय घन्टीघरमा हाम्रो सभाकक्षमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा छौँ। त्यो बैठकमा सुरुमा मुदा प्रतिवेदन भित्रके बाद आन्तरिक रूपमे परामर्श नै भएका बाहर सार्वजनिकरण नै हेबाक धारणा केन्द्रीय समितिके सदस्य सब राखला बाद महामंत्री ढकाल ई प्रतिवेदन लाइव होब नै सकल रासोपा जनौने छै। भएकै छ उहाँको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरू अहिले आएर उहाँको प्रतिवेदन वाचन भयो, त्यसमा छलफल हुँदैछ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैछ भनेपछि कहीँ रोकिएको त पाइएन होइन, कहीँ रोकिएको पाइएन। तर लाइभ राजनीतिमा रणनीतिक रूपमा कतिवटा कुरा सेन्सिटिभ तैना रासोपा महामन्त्री ढकालके हटाकर सन्तोष परियारके महामन्त्री बनेबाक समाचारमे कोनो सत्यता नै रहल सेहो स्पष्ट कयने छै। सहप्रवक्ता मनीष झा ई समाचारमे कोनो सत्यता नै रहल सेहो बतौलनि। ओ शोभिता गौतमके पार्टी संसदीय दलके प्रमुख सचेतक बनौने बातमे सेहो सत्य नै भेल बतौलनि अछि। नेपाली काङ्ग्रेसके राष्ट्रिय सभा सदस्य जीत जङ्ग बस्नेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीके सभापति एवं उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामे छाने के फाइल खोल धमकी नहीं देव चेतावनी दिलन अच्छे। बुध दिन के राष्ट्रीय सभा के बैठक में ओ एना बतौलन। ओ गृहमंत्री कांग्रेस के फाइल खोलबाक धमकी दे रहा कहत फाइल खोलबाक धमकी नहीं भाग फाइल भेला पर खोल आग्रह समेत कलन। ओ ब्लैकमेलिंग के राजनीति नहीं देव से चेतावनी कलन। ओ नेपाली कांग्रेस सरकार में जय आतुर रहला से जल्दी निकास सरकार के देव आग्रह कने छथ। ओ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल दुनू दिश के बल अपने खेलवा कहकर सोचला बाद अखन के परिणाम आयल सेहो बतौने छलथि। ल्याएको 18 खरब 60 अरब 30 करोड़ बजेट को कृषि तथा पशु भनेर लुट्ने नीतिले कुल गृहस्थ उत्पादन को 26% योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र में 1% बजेट विनियोजनले संपूर्ण कृषक को उपहास र अपहेलना गरेर राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम देश के वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली आ निर्वाचन प्रणाली गरीब बनौने कहत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली में जनाय आवश्यक रहल बतौलनि अछि। बुध दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य गौतम देश के वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली आ निर्वाचन प्रणाली गरीब बनौने बतौलनि अछि। ओ संविधान संशोधन कऽ प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति प्रणाली में जनाय आवश्यक रहल बतौलनि। ओ निर्वाचन प्रणाली के कारण राजनीतिक पार्टी सब अल्पमत में होइत आयल कहत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन केनाय आवश्यक रहल बतौलनि। ओ व्यक्ति ने भक पार्टी निर्वाचित हेबाक पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहल बतौलनि। ओ खर्च कम करबाक लेल राष्ट्रपति मुख्यमंत्री पालिका प्रमुख आ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश पालिका सभा के सदस्य सब के एक दिन निर्वाचन कयल जेबाक सेहो बतौलनि।
राज्यका सामन्त जमिनदार र पुँजीपतिहरू मिलेर त्यहाँका श्रमजीवीहरूलाई अनेक पटक क्रान्ति गरेका भन्छौँ। तर बेलायतमा 364 वर्ष पहिले स्थापना गरिएको त्यही संसदीय व्यवस्था र त्यही अल्पमतले शासन गर्ने फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ अहिले पनि संवैधानिक राहत। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतम नेपालक सब कृषि योग्य भूमिके राष्ट्रियकरण कयल जेबाक सेहो बतौलनि। ओ सरकार भूमिपति सबके चलन चलती के मूल्य प्रदान कऽ कऽ राष्ट्रियकरण कयल जेबाक बतौलनि। एना कला पर नेपालक समृद्धि शुरू हेबाक सेहो हुनक कथन छल। राष्ट्रिय सदस्य गौतम गणतंत्र में सेहो बजेटक ढांचा परिवर्तन नहीं भेल कहैत बजेट प्रति अपन कहनाई किछु नहि रहल बतौलनि। ओ विनम्र भऽ कऽ अनुरोध केलो पर अथवा कतबो विद्वता आगा बढ़ोला पर बजट में किछ फेर बदल नहीं भेल कहैत अपन आलोचनात्मक समर्थन रहल बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब एक निर्वाचन क्षेत्र में कमती में 4 आ जिला में 8 आयोजना में अनिवार्य बजट विनियोजन कयल जेबाक नीति बनाब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। बहुत दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में विनियोजन विधेयक में मंत्रालयगत परामर्श में सांसद सब एना बतौने अछि। सांसद सब संघीय सरकार संविधानक भावना अनुरूप बजट विनियोजन नहीं केने आरोप लगौने छै। सरकार छोट खुदरे आयोजना सब में समेत 1,00,000 बजट छुट्टिया का बैसनाई नीक नहीं भेल बतौने छै। अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्यौं तर देश को एउटा चित्र कोर्यौं आर्थिक रूपांतरण को कस्तो अर्थतंत्र बनाउने भनेर त्यो संविधानमा उल्लेख गर्यौं। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर भन्यौं तर राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गान सरकार प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयगत बजेटमा असन्तुष्टि जनाउलनि। ओ कृषिके एक वर्षमा आधुनिकीकरण आ प्रविधि मैत्री व्यवसायीकरण बनेबाक नीति बनेबाक मुदा 1 अर्बसँ अधिक बजेट कटौती केनाइ नीक नै भेल बतौलनि। माथिको छलफलमा समेत भाग धनजनको क्षति भएको छ, जनताहरूको ज्यान असुरक्षित भएको छ, व्यक्तिहरू घरमा बस्न पाएका छैनन्। त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा यो आपद विपदको बेला नेपाल सरकार गृहमन्त्रीज्यू कहाँ विदेशमा जाने के उनलाई रहर छ 50 डिग्री कोचाली गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदी प्रतिपक्षके सांसद सब बजेटक विषयमे सदैत विरोध करबाक परिपाटी नीक नै भेल बतौलनि। पलायन भएका छन्, उनीहरू इच्छाले खाडी राष्ट्रमा गएका होइनन्, बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने भएकोले ती विदेश जाने युवाहरूलाई सुरक्षित। कृषिकी आधुनिकीकरण आ व्यवसायीकरणसँ मात्रै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हेबाक विश्वास व्यक्त कयने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार। दादा, बाहिर भाइरस छ। न डराउ, मात्र पम्प रब छु गर्देऊ भाइरसलाई। पम्प रब छु? हो, लाइफ बोय ह्यान्ड वासले मार्छ 99.9% भाइरसेस, त्यसैले पम्प रब छु। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। New Parachute Sun Protect Cream, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50PA Triple Plus. My personal sunshade. विश्रामबाट समाचारमा स्वागत छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाव गठित कार्यदल परामर्श सुरु कयने छ। बुधिन सिंहदरबारमा बैसल कार्यदल के बैठक हत्या के परिभाषा कोना करबाक, बाल सेना आ पीड़ित सुरक्षाकर्मी के माँ के केना का संबोधन करबाक, पीड़ित न्याय के खोजी में फिर अदालत जाय पेबाक नहीं पेबाक, कम सजाई के मांग दावी लगात के 4 मुख्य विषय में सहमति जुटेबाक लेल कार्यदल के अपन प्रारंभिक परामर्श कयने छै। पीड़ित के न्याय के प्रत्याभूति हेबाक उद्देश्य राखि कऽ विधेयक में देखल गेल विवाद के विषय में सहमति जुटेबाक उद्देश्य ल कऽ परामर्श के आगा बढ़ाओल गेल। कार्यदल के सदस्य समेत रहल एमाले के प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बतौलनि। बैठक में नेता बीच ई विधेयक के जल्दी निष्कर्ष में पहुँचा कऽ चालू अधिवेशन से पारित करबाक उद्देश्य लऽ कऽ आगा बढ़बाक समझदारी भेल सेहो
बतौलन पीड़ित के न्याय दिएवाक आ पीड़ित के दंड के व्यवस्था पीड़क के दंड के व्यवस्था करवाक उद्देश्य लग विधेयक में सहमति जुटेबाक उद्देश्य लग परामर्श आगा बढ़ाओल गेल सेहो बताओल गेल छ पुगेका छौँ शब्दहरूमा कसरी फिनिसिङ गर्ने भन्ने कुरामा केही नजिक पुगेका छौँ सकारात्मक पथमै पुगेका छौँ दोस्रो बाल सेना र पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि आज त्यसको उपयुक्त शब्दहरू के हुनसक्छ सम्बोधन गर्नका लागि भन्ने कुरामा प्रमुख तीन दलकै विधेयकमै देखल गेल विवाद समाधान करबाक लेल एमाले सब बर्तौला कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक आ नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता जनार्दन शर्मा सदस्य रहल कार्यदल गठन कयने छल। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय में कार्यरत राजपत्रांकित तेसर श्रेणी के कर्मचारी सब मंत्रालय में धरना देव शुरू कयने छे। बुध दिन अधिकृत स्तर के कर्मचारी सब मंत्रालय के प्रवेश द्वार में धरना देने 2075 साल में सरकार समायोजन अध्यादेश ऐन मार्फत समायोजन केला बाद संघ में समायोजित भेलो पर विभिन्न बहाना में अपना सबके वृत्ति विकास के लेल नियमित रूप में लोक सेवा नहीं खोलल गेल आ ONM सेहो नहीं भेला से सांकेतिक विरोध स्वरूप धरना में बैसल कर्मचारी सब बतौने छे। कृषि मंत्रालय में समायोजन भेल राजपत्रांकित तेसर श्रेणी के प्राविधिक कर्मचारी सब अपन वृत्ति विकास रोकायल गेला से वृत्ति विकास सहित के दरबंदी यकीन कर मांग करे तो धरना देने बाली समर्थन अधिकृत तोयानाथ जोशी बतौलन ओ आंदोलन अखाड़ 14 गति से शुरू कयने भेलो पर धरना कार्यक्रम 16 गति से संचालन केने बतौलन ओ 6 वर्ष भ चुकला पर समेत वृत्ति विकास नहीं केने आ नियमित रूप में लोक सेवा नहीं खोलल गेल आ ONM नहीं कला से धरना देव पड़ल बतौलन। शुरुआत 14 गते हो र धरना कार्यक्रम 16 गतेदेखि हामी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यो के का लागि त भन्दा हामीले चाहिँ पहिला 2075 मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन गर्यो। समायोजन गर्दाखेरि चाहिँ दरबन्दी भन्दा बढी समायोजन गर्यो र त्यो बेला हामीलाई चाहिँ अवसर के दिएको थियो भन्दाखेरि सङ्घमा समायोजन हुने कि प्रदेशमा समायोजन हुने कि स्थानीयमा समायोजनमा समायोजन गर्यो र त्यो समायोजन मिलाउनु ओ सब अधिकृत सब हाजुरी नै केने आ सब अधिकृत सब विदामे बैसल छियो बताउने छ व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रह नमस्कार।